हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल स्टडी सर्चअप लॉ। सर्चअप लॉ को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको इसको ट्रिकी बेस पे बताऊंगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम टाइम में अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे लॉ हो जाते हैं, इतने सारे रिएक्शंस हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस में था, मार्कोनिकॉफ लॉ क्या था, सर्चअप लॉ क्या था। काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी मैच करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स का कहना था दीदी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है जब इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, ऐसे मेरे पास कई ट्रिक हैं जिसे मैं डालती रहूँगी रिएक्शन बेस्ड। चलिए पहले सर्चअप रूल को ट्रिक पे जानते हैं। सर्चअप रूल, इसके नेम से इसका ट्रिक है। सर्चअप में सेटिंग होती है। सर्चअप में क्या होती है? सेटिंग होती है। सेटिंग किनके बीच होती है? दो लोगों के बीच। वैसे भी आपको पता है सेटिंग दो लोगों के बीच होती है। अच्छा, सेटिंग दो लोगों के बीच कैसे होती है? सेटिंग दो लोगों के बीच हाय हेलो करने से होती है। कैसे होती है? हाय हेलो करने से। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हाय मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन 7 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। न्यू बुक में इसे 17 ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं। और हेलोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है? हाय हेलो हुआ दोनों लोगों के बीच में। हाय हेलो होने पे क्या हो गई? सेटिंग हो गई। सेटिंग हो गई तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? भाग जाएंगे। इन दोनों का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हेलोजन तो एक ही दिख रहा है, पर हाइड्रोजन क्या दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि जो हाइड्रोजन, ये जो हेलोजन है वो किस हाइड्रोजन के साथ रिमूव होना पसंद करेगा। तो इसको हम एक स्टोरी बेस पे पहले जानेंगे कि एक्स क्रोमोसोम्स गर्ल्स में होता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? फीमेल मानेंगे। एक्स फीमेल है और ये दोनों मेल हैं, तो ये फीमेल किस मेल के साथ भागना पसंद करेगी? उस फैमिली के मेल के साथ, उस कार्बन फैमिली के मेल के साथ ये फीमेल जाना पसंद करेगी जिसकी फैमिली में कम हटीले लोग होंगे, लेस हटीले लोग होंगे। क्लियर हुआ? लेस हटीले का मतलब यहाँ पे हटीले का सेंस मेरा हाइड्रोजन से है, और फैमिली का मतलब ये जो कार्बन फैमिली है। अब देखिए इस कार्बन फैमिली के पास कितने हटीले लोग हैं? 1, 2, ठीक है। और इस कार्बन के पास कितने हटीले लोग हैं? 1, 2 एंड 3। तो ये जो हैलोजन है वो लेस हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन फैमिली के साथ क्या होगा? जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसमें इस रिएक्शन जो ये सर्चअप लॉ है इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? पहले हम क्लियर करेंगे कि ये अल्फा बीटा है क्या। जिस कार्बन से आपका हेलोजन या कोई सब्स्टिट्यूटर या कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होता है, एक्स कैप का सब्स्टिट्यूटर भी है, ठीक है, और हेलोजन तो है ही, इसका सेकेंड नेम सब्स्टिट्यूटर भी है। तो अगर जिस कार्बन परमाणु से कोई सब्स्टिट्यूटर या फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो वो कार्बन आपका क्या कहलाता है? दैट कार्बन कॉल अल्फा कार्बन, ठीक है। तो वो कार्बन आपका क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहता है। और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। तो एडजेसेंट, इस हेलोजन के एडजेसेंट कार्बन परमाणु कौन, कार्बन आइटम कौन है? ये वाले और ये वाले, इसलिए इसे हम बीटा कार्बन आइटम कहते हैं, इसे भी हम बीटा कार्बन आइटम कहते हैं, ठीक है। अब हेलोजन का रिमूव हमेशा बीटा कार्बन आइटम्स के हाइड्रोजन के साथ होता है, ना कि गामा के साथ, जिसे हम ये भी कह सकते हैं एडजेसेंट कार्बन आइटम के हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है हेलोजन, है ना। मतलब ये हेलोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो सकता था, बट इसके हाइड्रोजन के साथ रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका एडजेसेंट कार्बन आइटम नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब ये दोनों की भी सेटिंग हो गई, ये दोनों भाग गए, तो ये दोनों भाग गए तो इन दोनों फैमिली की सिचुएशन सेम हो गई कि नहीं हो गई? सिमिलर हो गई, दोनों इक्वल हो गए। भाई इसके फैमिली से भी एक मेंबर एलिमिनेट हुआ, इसके भी फैमिली से एक मेंबर एलिमिनेट हुआ, तो इन दोनों की सिचुएशन सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके बीच किसका साइन आ जाएगा? इक्वल का, मैथमेटिक लैंग्वेज में। बट केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, आपने दिख रहा होगा आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। अब इसको मैं आपको
क्लियर करूँगी, डिटेलिंग करूँगी इसकी, ठीक है, ब्रीफ डिटेलिंग करूँगी। पहले सर्जर फ्लो को जानने के लिए हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है क्या? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसके नेम में ही इसका मीनिंग है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन का क्या होना, एलिमिनेट होना, क्या कहलाता है आपका, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा, सर्जर रूल में इसको जानने की क्या नीड पड़ गई आपको, इसलिए क्योंकि देखिए सर्जर रूल में जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए डी जो रिएक्शन गिवन है इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन और हैलोजन क्या हो रहे हैं, इसमें एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्लियर, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दैट सबस्ट्रेट विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, वो सबस्ट्रेट जो कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कहलाते हैं। सबस्ट्रेट हमेशा रिएक्टेंट में ही आपको मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट नहीं होता। सबस्ट्रेट आपके वो होते हैं जिस पे कोई चीज़ आके अटैक करे और रिएक्ट करे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हैलोजन एंड हाइड्रोजन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए, और किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, मिथ इथ प्रोप इन, वन पे डबल बॉन्ड है इसलिए उसकी पोजीशन बता रहे, वन प्रोप इन, इसका इस तरीके से भी इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, प्रोप वन इन, क्लियर। अब सर्च ऑफ रूल क्यों आया, अगर हम ये सोचे सर्जफ रूल क्यों आए, भाई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम यहाँ कर रहे हैं, इसमें सर्जफ रूल का क्या पार्टिसिपेशन है, तो अब हम आपको बताएंगे कि सर्जफ रूल का क्या पार्टिसिपेशन है। अगर ये देखिए आपका ये जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, अगर ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से आपका एक्सपेक्टेड हो कि दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे तो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि दो प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्योंकि हैलोजन अपने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, तो ये दोनों आपस में एलिमिनेट होते हैं, तो इसके बगल में सिर्फ एक ही कार्बन है, मतलब एक ही एडजेसेंट कार्बन है, इस ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका केवल एक ही एडजेसेंट कार्बन आइटम है। अगर इस कार्बन का दो एडजेसेंट कार्बन आइटम होता तो आपकी एक्सपेक्टेड होता कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। अब जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे भाई ये हैलोजन इसके साथ भी क्या कर सकता था, एलिमिनेट हो सकता था, और इसके साथ भी एलिमिनेट हो सकता था, तो जब इसके साथ एलिमिनेट होगा तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जब इसके साथ एलिमिनेट होगा तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब इसी चीज़ को क्लियर किया सर्जफ ने कि कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा, किसकी मेजर क्वांटिटी होगी। तो सर्जफ रूल ने अपने रूल में क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेन प्रोडक्ट बाय द एलिमिनेशन ऑफ HX द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल X ग्रुप रिमूव फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम अटैच्ड टू लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताया इन्होंने कि जो आपका हैलोजन है वो अपने उस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करता है जो बीटा कार्बन एटम अपने पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता होगा, ठीक है, तो ये वाला रखता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट आपके 80% बनेगा, इसलिए ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। इसकी क्वांटिटी क्या होगी, मेज़र होगी, इसको सर्जफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्जफ प्रोडक्ट, क्लियर, सर्जफ प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। ये प्रोडक्ट जो होता है मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्या है, मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अच्छा, आपको इसमें पता चला ये कैसे मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, देखिए यहाँ पे इन कार्बन आइटम को हम क्या कर लेंगे, सर्किल में ले लेंगे, तो इन कार्बन आइटम का मीनिंग ये हुआ कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है उसको सर्किल में ले लिए। अब उसके बाहर देखिए आपका एक आर ये है, एक सब्स्टिट्यूटर ये है,
एक दूसरा सब्स्टिट्यूटर ये है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटर का नंबर कितना है, 1 और 2, जिसे एल्किल भी बोलते हैं, 1R एंड 2R। एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1R ये, 2R ये, 1 एल्किल ये, 2 एल्किल ये, जिसे हम सब्स्टिट्यूटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूटर जो है 2 हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटर की क्वांटिटी क्या है, मोस्ट है, सबसे ज़्यादा है। और इसके कंपेरिजन में अब देखिए यहाँ पर हम डबल बॉन्ड, हम इन को क्या कर लेंगे, इन कार्बन आइटम को सर्किल में ले लेंगे, और इसके बाहर देखिए क्या है, 1R, ये बेटा C2H5 है, C2H5, तो C2H5 भी क्या है, R है, एक एल्किल है। आप ये C के नंबर काउंट करके आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 2R हैं, ठीक है, यहाँ 2R नहीं है। एल्किल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, तो यहाँ पे देखिए C2 है, जो H कितने हैं, H5 हो गए, CnH2n+1 ऐड कर दिया, तो देखिए H5 हो गया, इसलिए ये R है, ये R का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया होगा ये मेन प्रोडक्ट क्यों है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 20% होती है, ये 80% बनता है, ये सब्जेक्ट प्रोडक्ट है, मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, देखिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते होंगे इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा कार्बन आइटम से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म होती है और जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, जबकि एडिशन रिएक्शन में जस्ट इसका रिवर्स होता है, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एलिमेंट आके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही मैं ट्रिकी बेस पे और डिटेलिंग करके आपको और वीडियो सेंड करती रहूँगी।